हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 5G स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। अब देखिए, जो अभी हमारे स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं वो कुछ टेक्निकल बॉडीज हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाती है, जैसे कि 3GPP हो गया या ITU हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए स्टैंडर्ड्स बनते हैं जो कि ग्लोबली सेट किए जाते हैं। तो 5G का भी जो स्टैंडर्ड है वो 3GPP ने बनाया है। तो जिसकी जो भी रिपोर्ट्स हैं या जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, कैसे डेवलपमेंट करनी है, लेयर वाइज इम्प्लीमेंटेशन या कोर नेटवर्क का या रैन साइड का, वो सारी चीजें 3GPP डेवलप करता है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये 5G स्टैंडर्डाइजेशन बनता है। अब देखिए, ये जो 5G का स्टैंडर्डाइजेशन है या 3G, 2G, LTE किसी का भी जब भी होता है तो इनकी मीटिंग्स होती हैं 3GPP की, जो क्वार्टरली होती है, या इनका पूरा एक रोड मैप होता है कि पूरे साल के अंदर कब कब इनकी मीटिंग्स होनी है। तो इस तरह से ये मीटिंग्स करते हैं। जो भी अब इस मीटिंग्स के अंदर ये जो भी आपको ये लोग दिख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के जो भी हमारे चिपसेट वेंडर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं या जो भी डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे नोकिया के बड़े बंदे हो गए, एप्पल, सैमसंग, या फिर जो यूएस के ऑपरेटर्स होते हैं, AT&T, वेराइजन, टी मोबाइल, अलग अलग कंपनीज के जो टेक्निकल बंदे होते हैं वो इनके अंदर मीटिंग्स में प्रपोज करते हैं अपने फीचर्स को, कैसे हमें डेवलप करना है, कैसी नई टेक्नोलॉजी को हमें डालना है, पेटेंट्स वगैरह डालते हैं। शुरू शुरू में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी बनती है तो कंट्री वाइज पेटेंट डालते हैं कि चाइना ने कितने पेटेंट डाले, यूएस ने कितने डाले, या उसके अंदर फिर कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज ने कितने ज्यादा, क्वालकॉम के पास कितने पेटेंट है या सैमसंग के या हुआवे के। तो इस तरह से ये पूरा जो है ग्लोबल लेवल पे चलता है काम, और ग्लोबली जो कंपनीज है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। सब हर कोई ये चाहता है कि हम स्टैंडर्ड में कंट्रीब्यूट करें, हमारे फीचर्स ज्यादा यूज किए जाए ताकि उनकी रॉयल्टी मिले उनको। या कोई भी आप चिप खरीदते हैं, जैसे सपोज क्वालकॉम की हो या मीडियाटेक की हो या कोई भी कंपनी की हो, सैमसंग की हो, तो जो वो चिप होती है उसके अंदर बहुत सारे पेटेंट फीचर्स होते हैं तो उनको रॉयल्टी मिलती है जो जो पेटेंट डालता है। तो इसलिए ये मतलब काफी जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसके अंदर काफी ज्यादा पूरे डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद ही कोई स्टैंडर्ड जो ड्राफ्ट्स वगैरह बनते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स बनती हैं, उनको फिर मर्ज करके ये स्पेसिफिकेशंस या जो रिपोर्ट्स होती हैं ये आपको मिलती हैं, जो कि 3GPP पब्लिकली अवेलेबल कराया जाता है। कोई भी इसको देख के डेवलप कर सकता है अपने जो भी चिपसेट है या अपने मोबाइल फोन के अंदर, या डेवलपमेंट करनी है या नेटवर्क साइड पे कुछ डेवलपमेंट होना है, जो भी नेटवर्क के कोर एलिमेंट्स हैं उनकी डेवलपमेंट, वो सारी चीजें आप ये जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं उससे आप कर सकते हो। अब इस तरह से कुछ एक ये थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप का है कि जैसे हमारा जो ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उसका जो रेडियो कम्युनिकेशन वाला जो अभी तीन तरह के इसमें रहते हैं ITU के अंदर, अभी हम डिस्कस करेंगे। तीन इन्होंने तीन ब्रांचेस बना रखी है जो इसके अंदर अलग अलग टाइप की रिसर्च वगैरह होती है और स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये ITUR के अंदर IMT 2020 के, हमने 2020 का एक विजन लिया हुआ है कि वो टेक्नोलॉजी क्या क्या होनी चाहिए, उसकी अल्ट्रा लो लेटेंसी होनी चाहिए, हाई रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एडवांस इंटरनेट टेक्निक्स होनी चाहिए, मिलीमीटर वेव, मैसिव IoT, स्पेक्ट्रम फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे कुछ इन्होंने रेंज ऑफ फीचर्स डिफाइन किए कि IMT 2020 के अंदर अगर कोई टेक्नोलॉजी ये फीचर्स देती है तो उसको हम IMT 2020 में, ये इस तरह से इन्होंने 5G का नाम दिया। अब उसके अंदर फिर अलग अलग टाइप की SDOs होते हैं, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इन पे काम करती हैं, जो भी गाइडलाइंस ITUR ने सेट करी है उन पे, जो विजन इन्होंने सेट किया है उसके ऊपर काम होता है, और फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता है। अब जैसे 3GPP है, फिर ITSI एक होती है, IEEE और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मेन जो रोल है इसमें डेवलपमेंट में जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उनमें 3GPP का होता है। अब 3GPP ने जैसे फर्दर वो तीन सिनेरियो जो हमने अभी डिस्कस किए थे, जो 5G का मैजिक ट्रायंगल है, EMBB, एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, URLC या MMTC, अब इसके अंदर फर्दर इन्होंने डिवाइड कर दिया 5G NR जैसे बोलने लगे, या यहाँ पे 5G और LTE को यूज करके, फिर इधर NSA, SA मोड। तो इस तरह से ये पूरा ITU से लेकर IMT, फिर SDOs के अंदर 3GPP, ITSI, फिर उसके अंदर सिनेरियोज अलग अलग जो भी हमने टेस्ट के, जो भी हमने यूसेज क्रिएट किए कि कहाँ कहाँ पे किस टाइप की यूसेज होनी चाहिए 5G के अंदर, तो इस तरह से ये पूरा डिजाइन किया जाता है, टीम्स बनाई जाती हैं, उनके हेड्स होते हैं, सब
लीड करते हैं, डिस्कशंस होते हैं और फिर जाके उसको एक शेप मिलती है जो स्पेक की फॉर्म में आप लोग हम लोग सब यूज करते हैं, और जो डेवलपमेंट है टेस्टिंग है उसकी हेल्प से हम लोग करते हैं। तो इस तरह से ये 5G स्टैंडर्डाइजेशन का एक ओवरव्यू है। अब इसके अंदर जो ये 3GPP है, ये जो है ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके अंदर ये 7 ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर से मिलके बनती है 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, और जो भी रिपोर्ट स्पेसिफिकेशन या किसी भी टेक्नोलॉजी को डिफाइन करने के लिए जो भी चाहिए होता है वो सारी ये क्रिएट करके आपको देते हैं। अब ये 7 मिलके बनाते हैं 3GPP, और ये ATIS हो गया, CCSA, ITSI, TSDSI, TTA, TTC और ARIB, ये 7 ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में आपको मिलेंगे, और ये जो भी वहाँ की मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है मेनली उसमें ये सारे आपको मिलेंगे, USA, जापान, चाइना, यूरोप, इंडिया, कोरिया। अब इंडिया का भी TSDSI है, ये 2015 में 3GPP के अंदर ऐड हो गए, जो 3GPP पे इन्होंने अपना अपने को रजिस्टर करवा लिया, तो इंडिया की भी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो सारी TSDSI देता है कि इंडिया के अंदर कौन से फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या किस टाइप से रोड मैप है, ऑपरेटर्स का किस टाइप के फीचर्स लाने चाहिए, या पूरी जो भी रिसर्च है इंडिया की वो ये करते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो 7 ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं ये मिलके 3GPP को ड्राइव करते हैं। अब इनके कुछ मार्केट रिप्रेजेंटेशन पार्टनर्स होते हैं, एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स एक होते हैं जो इसको प्रमोट करते हैं या जो यूज करते हैं 3GPP को। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स होते हैं वो मार्केट रिप्रेजेंटेशन पार्टनर को उनको इनवाइट करते हैं कि आप 3GPP का पार्ट बनिए और इसको आगे और प्रमोट कीजिए। तो अलग अलग आपने सुने होंगे 5GAA, ये ऑटोनोमस कार के लिए, या ऑटोमोटिव एसोसिएशन है 5GA, 5G अमेरिका, या COAI, ये सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया के जो ऑपरेटर्स हैं वो इसका पार्ट है। GCM आपने सुना है, GCM में, GSM में, NGMN ये ऑपरेटर्स का है ये भी, और TCCA। तो इस तरह से ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं जो 3GPP को जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड माना है और इसको लेके ये आगे काम करते हैं। तो ये सब आपस में सिंक रहते हैं और एक गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं जो भी 3GPP की है, या उससे पहले जो भी ITU ने गाइडलाइंस दी हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी किस तरह से फ्रिक्वेंसी एलोकेट करनी है या कैसे स्पेक्ट्रम को यूज करना है, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो ये सारे जो पार्टनर्स हैं ये उसको फॉलो करते हैं। अब जो ये 3GPP है ये दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे 3GPP एंड 3GPP 2। अब इसके अंदर 3GPP के अंदर ये सारी आ गई जो अभी हमने डिस्कस किया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, जापान की जैसे दो हैं, USA, यूरोप, इंडिया, और इधर 3GPP 2 के अंदर जापान, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो कंट्रीज हैं ये इनके पार्ट हैं। तो 3GPP और 3GPP 2 का इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब इसके अंदर जैसे GSM में UMTS, LTE, 5G ये सब 3GPP के अंदर आते हैं, और 3GPP 2 के अंदर आपने जैसे CDMA 2000, CDMA 1, ये सारी जो मोबाइल सेलुलर सिस्टम्स हैं तो वो इसके अंदर आते हैं। तो 3GPP एंड 3GPP 2 दो पार्ट में डिवाइड होता है, डिपेंड करता है कि कौन से आप, जैसे इंडिया के अंदर आपको 3GPP 2 नहीं मिलेगा, तो ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं मिलेंगी इस समय CDMA 2000। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्रीज में आप हो और कौन सी टेक्नोलॉजी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, या कौन सा ग्रुप वहाँ पे काम ज्यादा करता है या ज्यादा फेमस है, 3GPP या 3GPP 2। तो इस तरह से इन दोनों का डिविजन होता है। अब ये जो 3GPP के अंदर एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ग्रुप होता है जो कि पूरा काम करते हैं हर एक अलग अलग मॉड्यूल्स पे। तो ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ग्रुप होते हैं ये इसके अंदर एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन ग्रुप होता है PCG जो सबसे ऊपर होता है। अब उसके अंदर फर्दर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ग्रुप्स होंगे जैसे TSG RAN, ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क के लिए, TSG CT कोर नेटवर्क एंड टर्मिनल्स के लिए, TSG SA सिस्टम एंड सर्विस एस्पेक्ट्स के लिए। अब इन्होंने अलग अलग उसके वर्किंग ग्रुप्स बना रखे हैं, WG1, WG2, WG3। तो अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग टीम्स हैं और अलग अलग इन्होंने देखा हुआ है किधर फोकस करना है। तो किस टीम का फोकस, किसी टीम का फोकस रेडियो लेयर 1 स्पेक के ऊपर है, किसी का लेयर 2 स्पेक या लेयर 3 स्पेक, फिर रेडियो परफॉर्मेंस और मोबाइल टर्मिनल कन्फॉर्मेंस टेस्टिंग,
या जीएसएम एज या जो भी आपको अलग अलग मॉड्यूल्स दिखते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो कोडेक्स या फिर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस या आपके स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स, तो अलग अलग टाइप के ग्रुप्स 3GPP ने बना रखे हैं जो कि काम करते हैं और जो हमारे को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं। तो इन ग्रुप्स का काम है मिलके उस फीचर्स को या जो पूरे कोर नेटवर्क है या हमारा सिस्टम एंड सर्विस एस्पेक्ट्स हैं या रैम साइड है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, तो वो सारे उस पर काम करके फोकस करके और हमें आउटपुट देना, और फिर हम उसको यूज करते हैं। जो कंपनीज हैं, चिपसेट वेंडर्स हैं, डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ये सब उसे यूज करके अपने फर्दर डेवलपमेंट करते हैं और फिर उस पर टेस्टिंग होती है और फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर के पास लॉन्च होता है। तो इस तरह से ये पूरे जो ग्रुप्स हैं एक मिलके काम करते हैं और हमें एक आउटपुट मिलता है। अब ये जो 3GPP के अंदर पूरा इकोसिस्टम इन्होंने डिजाइन किया हुआ है कि सारी चीजें इनसे लिंक्ड हैं, ऐसा नहीं है कि खाली 3GPP अलोन काम कर रहा है, तो सबके साथ लिंक इन्होंने बना रखा है। ITF जो हमारा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेक्स बनाता है, वो इसको रेफर करता है। OMA ओपन मोबाइल अलायंस, जो हमारे MMS या प्रेजेंस रिलेटेड टेस्ट केसेस हैं वो इसमें रहते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं। मार्केट पार्टनर्स इसको रेफर करते रहते हैं। GCF टर्मिनल सर्टिफिकेशन, GCF यूरोप के लिए होता है। अगर आपको कोई भी डिवाइस यूरोप में लॉन्च करना है तो आपको GCF टर्मिनल सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, तब आप लॉन्च कर सकते हो। तो वो पूरा 3GPP कंप्लाइंट है। पूरी जो सर्टिफिकेशन की टेस्टिंग होती है वो 3GPP स्पेक्स के बेस पे होती है GCF के अंदर। तो ये 3GPP जो ग्लोबल इनिशिएटिव है सबसे ये बात करते रहता है। ये नीचे हमारे ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हो गए साथ, ये EU, जापान, कोरिया, चाइना, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया। तो इस तरह से ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स आ जाते हैं यहाँ पे। फिर ये IEEE से भी क्रॉस रेफरेंस होता है। वाईफाई अलायंस, अब आपके फोन के अंदर वीओ वाईफाई जैसा सपोर्ट है, आपको LTE भी सपोर्ट है और वाईफाई भी सपोर्ट है, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, वो उनके स्पेक्स आपस में क्रॉस रेफरेंस, और ये सब चीजें भी उसके अंदर रहती है। फिर वाईमैक्स के स्टैंडर्ड भी उससे बात करते रहते हैं। इधर हमारा ये ITU जो आर रेडियो कम्युनिकेशन और ये टेली कम्युनिकेशन, ये डेवलपिंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए, कौन सी फ्रिक्वेंसी, कौन सा स्पेक्ट्रम, किस तरह से एलोकेशन, ये सारी चीजें पूरी डिफाइन की जाती है। तो पूरा एक इकोसिस्टम है जो सारे मिलके काम करते हैं और उसको डेवलप करते हैं। अब ITU जो है ये भी एक इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है पूरा। अब इसके अंदर ये UN जो है, हमारे जो नेशंस होते हैं वो उन्होंने ये इसको फॉलो करते हैं। जैसे ITU-T है हमारा, ITU-D है और ITU-R है। ITU-T टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के लिए नेटवर्क एंड सर्विस एस्पेक्ट, ITU-R रेडियो कम्युनिकेशन उसका स्टैंडर्डाइजेशन, ग्लोबल स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। और ITU-D जो है वो जो असिस्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस तरह से ये ITU अलग अलग टाइप से काम करता है, इसके अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो मेनली हम ITU-T और ITU-R यूज करते हैं इसमें अपने 2G 3G 4G 5G के अंदर, इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो इनके जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके टेक्नोलॉजी बनती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि 5G के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या क्या टर्म्स, कौन कौन सी जो SDOs हैं, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या 3GPP, ITU, ये सारे मिलकर काम करके एक हमको साउंड स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं जिसे हम यूज करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज देखिए, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस कोर्स के अंदर वो आप 2-3 बार देखोगे तो आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीजों से, और आप फिर उसके ऊपर खुद आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, उसके आप ऊपर नई नई चीजें डेवलप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।